हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को रहेगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉरर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट mm. रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़िल अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाइन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, कर हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो हज़ार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी फोर मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को रहेगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइनटी फोर तक जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर पोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस इस तरह की कुछ और मूवीज की हैं। जो हाँ, नहीं हुई, बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली यूटूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एल सी यू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी टिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्य देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की करूंबी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिल अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और इस सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली ज़रूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइनटी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात

परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली ज़रूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एल देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरह, तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो हज़ार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से जानी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से 94 तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर पोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने इस तरह की कुछ और मूवीज की हैं। जो हाँ, नहीं हुई, बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहां पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाइन से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो हज़ार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानव से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली ज़रूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज 94 मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉरर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर पोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शॉले है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज दी हैं बाकी उनकी मूवीज फास्टर फेन थोड़ी, थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूनि YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजान प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइनटी फोर तक जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर पोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने इस तरह की कुछ और मूवीज की हैं। जो हाँ, नहीं हुई, बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एल सी यू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी टिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइन्टी तक जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी, थोड़ी 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 सी क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिल अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइन्टी फोर तक जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज दी हैं बाकी उनकी मूवीज फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन है तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से 94 तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डीसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उनाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फें थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एल सी यू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उनाड है जोम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानव से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉरर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाइन कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज 94 मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉरर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली ज़रूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने यह मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से 94 तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य पोतदर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उनाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूज़र्स की जानब से नाइनटी फोर तक जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और यहाँ पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले Girl है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानव से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज 94 फोर मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए, सीरीज लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सर पोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शॉले है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज दी हैं बाकी उनकी मूवीज फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूनि YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की बी रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को रहेगा नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शॉले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी, थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजिल अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एल देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों उनकी मूवीज को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉरर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरह, तरह ही हॉरर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यूडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो हजार चौबीस में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई एम भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानव से नाइन्टी फोर तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डिसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज नाइन्टी मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉरर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफ़ी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जोम्बी विली है द शोले Girl है और मौली जैसी मूवीज उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फेमस मूवीज दी हैं बाकी उनकी मूवीज फास्टर फेन थोड़ी, थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉक नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज देखने के शौकीन है तो लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहां पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये YouTube पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी जुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी जुबान में ही रिलीज भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईजीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं की हेलो जी वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ बॉलीवुड जी हाँ आजकल बॉलीवुड में भी बहुत सारे यूनिवर्स बन रहे हैं जिस तरह से आप लोगों को एलसीयू देखने को मिलता है उसके अलावा कुछ धूम का एक यूनिवर्स चल रहा था सिंघम का यूनिवर्स चल रहा है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे यूनिवर्स देखने को मिल रहे हैं तो उसी के साथ भाई अभी जो है वो एक और यूनिवर्स स्टार्ट हो चुका है जिसे स्त्री यूनिवर्स बोला जा रहा है और उसी स्त्री यूनिवर्स में से एक मूवी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग अगर देखते हैं ऐसी मूवीज़ तो आप लोगों ने उनकी मूवीज़ को देखा होगा जाना होगा कि भाई स्त्री यूनिवर्स के अंदर जो हमें मूवीज़ देखने को मिलती हैं हाँ वो अच्छी हैं वो एक हॉर कॉमेडी जॉनरा रखता है सारा का सारा यूनिवर्स ही और आज की हमारी ये जो वीडियो है वो भी उसी यूनिवर्स की तरफ तरह ही हॉर कॉमेडी जॉनरा वाली होने वाली है जी हाँ यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी मुंजिया के बारे में तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में कौन कौन से एक्टर्स हैं कास्टिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में हमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कास्टिंग में अभय वर्मा देखने को मिलेंगे शर्वरी देखने को मिल जाते हैं मोना सिंह देखने को मिलते हैं सत्या देखने को मिलते हैं और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है अगर मैं यहां पर बात करूँ कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो काफी अच्छी रखी गई है सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई भी रेटिंग के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस तो दे ही सकते हैं लेकिन उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइन्टी फोर परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी हाईली रेटिंग है हां भाई गूगल के यूजर्स की जानब से नाइन्टी फोर तक जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और यहां पर इतनी परसेंटेज मिल जाना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है जो कि काफी अच्छे से यहां पर प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो बहुत ही डीसेंट सी रखी गई है आप लोगों के सामने तकरीबन दो घंटे और दस से पंद्रह मिनट के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और बहुत ही डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन डेफिनेटली होनी चाहिए आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज 94 मिली है इस मूवी के जेनर पर बात करें तो हॉर एंड कॉमेडी इस मूवी का जेनर है जो कि काफी अच्छा जेनर रखा गया है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला हम इस चीज़ पर भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को जो है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और सारी की सारी डायरेक्शन को जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है ये मूवी आदित्य सरपोतर ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट की है इस मूवी के अलावा उन्होंने कौन कौन सी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं ये चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन कौन सी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं वैसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं बट कुछ फेमस मूवीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने रखता हूँ जिनमें आप लोगों को ककूदा देखने को मिलेगी जो कि अभी हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है मुंजिया है उन्नाड है जॉम्बी विली है द शोले गर्ल है और मौली जैसी मूवीज़ उन्होंने अभी तक आप लोगों के सामने फेमस फ़ेमस मूवीज़ दी हैं बाकी उनकी मूवीज़ फास्टर फेन थोड़ी 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 सी मनमानिया क्लासमेट्स इस तरह की कुछ और मूवीज़ भी उन्होंने प्रेजेंट की हैं जो कि हाँ ब्लॉग नहीं हुई बस ठीक ठाक सी चली जरूर हैं आप लोगों को इनकी मूवीज़ को एक एक चांस डेफिनेटली देना चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो लैंग्वेज कौन सी है और अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इस मूवी की लैंग्वेज जो है वो प्योर हिंदी ज़ुबान है क्योंकि ये एक प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है जिसे इंडिया में एंड प्योर हिंदी ज़ुबान में ही रिलीज़ भी कर दिया गया था आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में इसे लगा दिया गया था आप लोग इसे वहाँ पर जाकर देख पा रहे थे एंड अभी फ़ाइनली ये मूवी जो है वो अवेलेबल कर दी गई है ईज़ीली अवेलेबल है आप लोग इस मूवी को जाकर देख सकते हैं आप लोगों को जल्द ही ये अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है आप लोग वहाँ पर जाकर इस मूवी को इन्जॉय कर पाएंगे लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे कहीं पर भी रिलीज़ नहीं